गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी की क्लास 6:10 पर शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम मुझे आप लोगों से चाहिए होता है क्लास स्टार्ट करने के बाद। तो आज का सेशन जो साइंस का होने वाला है, आई नीड अ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, ओके। सो सबसे पहले आप सभी को मैं सेशन शेयर कर दूं, और आप लोगों का मैं बोल रहा हूँ क्लास जो कितने टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको टाइम बता दिया है, 6:10 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज जब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। प्लीज वेट कीजिएगा, आप लोगों का क्लास जो है 6:10 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आज जो आप लोगों के लिए मैं क्लास करवाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे ग्रीन बैकग्राउंड आ चुका है, कल ये आप लोगों के लिए आई थिंक हट जाएगा, मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी धीरे धीरे। बस आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखिएगा, एंड आज के जो सेशन है आप लोग के लिए उसमें भी कुछ एक एडवांस चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इवन जितना जल्दी हो सकेगा बेटर टू बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को देने की मेरी के द्वारा जो है कोशिश की जाएगी, ओके। सो वेट अ मिनट, ओनली 1 मिनट आप लोगों को इंतजार करना है। मीन्स आप लोगों को मैंने बोला था 10 पर क्लास स्टार्ट हो गई, तो प्लीज जाना नहीं है, ओके। आप लोगों को मैंने जो वीडियो शेयर किया है उसको आप लोग सभी अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है आ सकें। इवन जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग लेकर के आ सकते हो, जितने भी ग्रुप्स में शेयर करके प्लीज आप लोग लेकर के आइएगा, बिकॉज अब जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उतना अच्छे से अच्छा मेरे से काम होगा, ठीक है। तो साइंस की क्लास आज की और दिनों की अपेक्षाकृत आप लोगों के लिए अलग होगी थोड़ी सी। आप कहोगे सर अलग क्या करवाने वाले हो, हाँ भाई तो थोड़ा सा रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा अलग क्या होने वाला है। वेट, आप लोगों को बोल दिया है 6:10 से स्टार्ट होगी, मैं अभी आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ इवन। बस लास्ट रह गई है, लास्ट में है मेरा, चलिएगा। तो अब आप लोगों की जो है क्लास में स्टार्ट कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि सबसे लास्ट में मुझे कहाँ डालना होता है, आप ही लोगों के लिए चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने नाम बता दीजिए, कौन कौन आ चुका है भाई, कौन कौन आ चुका है, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। साथ ही साथ आज का सेशन जो है शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमोद सिंह रावत फ्रंट ऑफ यू, एंड टुडे वी विल डिस्कस अराउंडेड 50 क्वेश्चन ऑफ साइंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आज के सेशन में आप लोगों के लिए नया क्या है, राज आ चुके हैं, और कौन कौन आ चुका है सभी से बोल रहा हूँ अपनी उपस्थिति दर्ज करें, लेकिन आप लोग दर्ज करते ही नहीं हूँ, उपस्थिति दर्ज करना आप लोगों के लिए जरूरी है। बता दीजिए भाई कौन कौन आ चुका है। अच्छा, आने के बाद इंडिया का PM पवन रजक, ठीक है, इंडिया के PMG भी आ चुके हैं। तो आज का सेशन मैं शुरुआत कर सकता हूँ आप लोग के लिए साइंस का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए। आज आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन जो मैं रेगुलर करवाता हूँ वही आप लोग के लिए होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ नया मैं अलग करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आप लोगों के लिए अफेक्टेड जो है क्लासेस हो जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत करें आज के सेशन की, बस थोड़ा सा मुझे एक बार ये चेक करना होगा कि मैंने आप लोगों को जो चीज़ें आज आप लोगों को जो PPT दी है, आई थिंक वो दूसरे फॉर्मेशन में दिए हैं, रुक जाना थोड़ा सा, मैं एक बार चेक करता हूँ PPT नहीं, ये जो मेरा इधर की साइड होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, ओके। हाँ वेल, अब हम अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं, चलेगा। हाँ, सो आज का आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, राज एंड पवन ओनली 2% के द्वारा प्रेजेंट लगाई गई है, तो दोनों के लिए बोलना चाहूंगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से क्या कह रहा है भी है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, गेट द्वारा लागू नहीं किया जाता, एनोड गेट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय, तो एक ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है गेट आप लोगों का नहीं लगाया जाता, इवन एक रोकने वाला सिंगल ट्रांजिस्टर जिसको आप लोग कहते हैं, एक एकल डायोड में आप लोगों का ट्रांजिस्टर प्रयोग नहीं किया जाता, या दो डायोड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही आप लोगों को काफी टफ आई थिंक साबित होने वाला है, ज्यादा इतना कठिन भी नहीं है, आप लोग इतना हार्ड तरीके से उसको लेना नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का।
देखो नॉट गेट जो आप लोगों का है फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों का नॉट गेट जो आप लोगों का यूज नहीं किया जाता है वो एकल सिंगल ट्रांजिस्टर जो आप लोगों के होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो ओवरऑल यदि इसका देखा जाए तो कौन सा वाला, ऑप्शन ए वाला ही जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मेरा पेन कहाँ गया, हाँ भाई हाईलाइटर। तो इसमें आप लोगों का एकल ट्रांजिस्टर आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज योर गुड आंसर। ओके देन नेक्स्ट आप लोगों से क्या बोलता है, एक अवशिष्ट जल उपचार में संदर्भित रिएक्टर शब्द आप लोगों का कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो अवशिष्ट जल के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, एक शब्द के रूप में आप लोग उसमें क्या यूज करते हैं, आप लोगों का स्पष्ट करने वाला, बातन टैंक, बासन या टैंक की स्थापना। तो आप लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बता दीजिए भाई, आप लोग किस वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, बातन टैंक, वासल, टैंक की स्थापना, क्या इसको आप लोग सिटिंग टैंक कहते हो। तो सेकंड वाले का आंसर आप लोग दीजिएगा, सेकंड वाले में जो आप लोग का होने वाला है, एक बातन टैंक के नाम से आप लोग जानते हो, अवशिष्ट जल उपचार में जो संदर्भित रिएक्टर टैंक आप लोग का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा टैंक होता है, बातन टैंक आप लोग का होता है ना, एरिएशन टैंक जिसको आप लोग कहते हो। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा, वेरी गुड। अगला वाला आप लोगों से क्या कहता है, पृथ्वी एक है, तो पृथ्वी एक क्या है, आप सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर में फास्ट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, गर्मी का गैर अवशोषक, तो गर्मी का गैर अवशोषक बता दीजिए निम्नलिखित में से क्या है, गर्मी का गैर अवशोषक या पृथ्वी का अच्छा परावर्तक, खराब अवशोषक हो गर्मी का खराब रेडिएटर, अच्छा अवशोषक हो गर्मी का अच्छा रेडिएटर। तो आप लोगों को बताना है कि ओवरऑल पृथ्वी क्या है, गुड इवनिंग अंजलि राजपूत जी, तो पृथ्वी ओवरऑल क्या है, तो पृथ्वी आप लोगों का इसका थर्ड वाले का आंसर दीजिए सभी लोग, थर्ड वाले का आंसर दीजिए, द अर्थ इज अ नॉन एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, वेड एब्जॉर्बर ऑफ एंड वेड रेडिएटर ऑफ हीट, तो परमानेंटली सहन मोहम्मद आ चुके हैं। तो पर्टिकुलर थर्ड वाले में जो आप लोगों का आंसर होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है सी वाला, मतलब खराब अवशोषक है और खराब रेडिएटर है, क्योंकि यदि पृथ्वी अच्छा अवशोषक होगा, उष्मा को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेगा, तो पृथ्वी एक दिन अभी तक तो गर्म होकर गल चुकी होती है ना, तो पृथ्वी जो है ना ही अच्छा अवशोषक है और ना ही अच्छा रेडिएटर है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों से क्या बोलता है, निम्न में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग होती है, तो कौन सी वाली विकिरण में सबसे कम तरंग होती है आप लोगों को ये बताना है। तो बता दीजिए किस विकिरण में सबसे कम तरंग होती है, गामा रेज में, इसको आप लोग जो जी रेज दिया गया है एक्चुअल में वो आप लोगों का गामा रेज था, ये आप लोगों की एक्स रेज थी, ये आप लोगों के लिए अल्फा किरणें थी, ये आप लोगों के लिए बीटा किरणें थी। आप लोग बता दीजिए निम्नलिखित में से किस किरण में सबसे कम तरंग होती है, जस्ट प्लीज टेल मी निम्नलिखित में से किस कण में सबसे कम तरंग होती है, फोर्थ वाले का आप लोग को आंसर देना है, सबसे कम तरंग के बारे में बोला गया है। तो देखो जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे कम तरंग जो आप लोगों के लिए होती है वो किसमें होती है भाई, गामा किरणों में, ऑप्शन ए जो है इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। फोर्थ वाले में कौन सा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए वाला, गामा तरंग जो आप लोगों के लिए है वो सबसे कम तरंग आप लोगों के लिए, वेवलेंथ उनकी जो तरंग है सबसे कम होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो आप लोग की है वो किसकी इकाई है, आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश वर्ष, इसको आप लोग लाइट ईयर बोलते हैं, तो लाइट ईयर किसकी इकाई है, लाइट ईयर किसकी इकाई है, दूरी की है या प्रकाश की चाल की है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता की है या नन ऑफ अबव। तो फिफ्थ वाले का आंसर दीजिएगा क्या होगा, प्रकाश वर्ष जो इकाई किसकी है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश की चाल की इकाई है या प्रकाश की तीव्रता की है, नन ऑफ अबव। तो फिफ्थ वाले में जो आप लोगों का है 100% बिल्कुल डिस्टेंस का ही जो है राइट आंसर रहेगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को आप लोग क्या बोलते हो, एक लाइट ईयर बोलते हो, एक प्रकाश वर्ष बोलते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को उपयोग करने की सलाह दी जाती है, तो क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज क्या, प्लेनो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्लेनो उत्तल लेंस, तो बता दीजिए। मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या होगा, मायोपिया, पिया हमेशा पास रहता है, तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो सब दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, अवतल लेंस की। अवतल लेंस क्या करता है, उसको फैलाता है किरणों को, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर आएगा, अवतल लेंस जो है ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज योर गुड आंसर।
और सभी लोग आंसर देंगे तो बेटर रहेगा। आप लोग निकट दृष्टि दोस्त, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ प्लीज सभी लोग आंसर दीजिए, ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। शान, मोहम्मद, राज और अंजलि, ओनली 3% दे रहे हैं आंसर दे रहे हैं, 4% ओनली बैठे हुए हैं, तो गलत बात है ये, है ना। अच्छा अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण आप लोगों का है 7th वाले में, वो बता दीजिए आप लोगों का कौन सा है। रडार है, ध्वनि है, लेजर है या उपरोक्त तो सभी है। तो समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है 7th वाले में, तो 7th वाले में जो आप लोगों का है वो किसका प्रयोग करते हैं 7th वाले में, ध्वनि तरंगों का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रडार समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है, ध्वनि तरंगें छोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग किसके साथ जाना चाहोगे, रडार के साथ या ध्वनि तरंगों के साथ। तो सर आप ध्वनि तरंगों के साथ ले जाइए, तो रडार प्रोसेस वही वेव्स आप लोगों की छोड़ी जाती हैं, एक्चुअल में जलमग्न वस्तुओं का पता लगाना है तो आप लोगों के लिए ध्वनि तरंगों को ही छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ओके, सोनार वेव्स भी जिसको आप लोग कहते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे समझ पाएंगे, सोनार वेव्स जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा सही नहीं लिखा था। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए, या कह सकते हैं एक लिमिटेड करंट फ्लो करने के लिए सर्किट में क्या यूज किया जाता है। तो 8th वाले में आप लोगों को बताना है, फ्यूज तार यूज किया जाता है, ग्रिड यूज किया जाता है, कंडक्टर है, नन ऑफ अबव। तो विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं ना, तो 8th वाले में आप लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया है। अब इसका तो आंसर दे सकते हो, इससे सरल कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, है ना। फ्यूज तार इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज तार क्या करता है, ज्यादा धारा यदि प्रवाहित होती है तो वो टूट जाता है, परिपथ में करंट का फ्लो जो है रुक जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। अच्छा अगला वाला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, एक ट्रांसफॉर्मर जो आप लोगों का है, ट्रांसफॉर्मर जो है ना, एक ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य करता है, ये कौन है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इनको हम क्या करें, हाइड कर देते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते इनको, है ना, रहने दो। ओके चलिए, तो ये जो आप लोगों के लिए है ट्रांसफॉर्मर में जो यूज किया जाता है, ओवरऑल क्या यूज किया जाता है, एक ट्रांसफॉर्मर जो 9th वाला आप लोगों के लिए है क्या यूज किया जाता है, एसी वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर जो आप लोगों का यूज होता है वो एसी वोल्टेज को कम करने या बढ़ाने के लिए ओवरऑल यूज किया जाता है। तो कौन सा वाला, ऑप्शन डी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एसी वोल्टेज को कम करने या बढ़ाने के लिए जो आप लोगों का है ये ट्रांसफॉर्मर आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा वाला, ऑप्शन डी जो है इसमें आप लोगों का गुड आंसर होगा। अच्छा अगला वाला प्रश्न आप लोगों का क्या बोलता है, ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ग्रहण जो आप लोगों का होता है किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रतिबिंब वाली घटना के कारण, या आयताकार प्रसार के कारण। तो ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है आप लोगों को ये बताना है। तो 10th वाले का आंसर दीजिए कौन सा वाला होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में आप लोगों को हेल्प मिलेगी, इंग्लिश में आप लोगों को हेल्प मिलेगी, इंग्लिश में आप लोग हेल्प मिलेगी। ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है, तो ग्रहण बता दीजिए भाई किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है, रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन। तो भाई ग्रहण जो आप लोगों का होता है आप लोगों ने देखा होगा अपवर्तन, ना कि ना ही उसमें अपवर्तन प्रयोग किया जाता है, ना कि विवर्तन, उसमें प्रतिबिंब में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जितने भी ग्रहण आप लोगों के होते हैं, कहीं आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है, या चंद्रमा बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो बोथ कंडीशन में आप लोगों की छाया रिफ्लेक्शन जो है वर्क करती है। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का गुड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सोच करके लगाया करो तो बेटर रहेगा, आपको फायदा भी मिलेगा। ओके हाँ, अगला वाला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, सपना लिहारे जी भी आ चुकी, काफी टाइम से बैठ के देख रही थी वैसे ना। चलो, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है भाई, आप लोगों का दिया गया है स्फिग्नो मैनोमीटर, इस तरीके से मुझे डायरेक्टली ऑनवर्ड्स नहीं होता है ये, एंड थर्मामीटर, जलमग्न मीन्स जिसको आप लोग हाइग्रोमीटर कहते हो ना, ये आप लोगों का यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा हुआ है। इवन आप लोगों के लिए जो है वेरोमीटर,
तो ओवरऑल आप लोगों को बताना है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए आप लोगों का ब्लड प्रेशर, जिसको आप लोग कहते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा, किसका इस्तेमाल करते हो? थर्मामीटर का। कौन कर रहा है भाई? थर्मामीटर का यूज नहीं करते। शान मोहम्मद इनका सही आंसर है। स्फिग्नोमेनोमीटर ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज योर गुड आंसर। अच्छा, ये जो थर्मामीटर आप लोगों का किस लिए यूज किया जाता है? ताप के लिए। कुछ लोग क्या बी दे रहे हैं, तो मिथिलेश जी थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिए। मिथिलेश जी आपका गलत हो रहा है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का बस मात्र राइट आंसर होगा। अगला वाला प्रश्न आप लोगों का क्या होता है? सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो? डैनियल सेल का, सौर सेल जिसको आप लोग फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वाटर स्कोप। तो बता दीजिए भाई, सौर सेल को बिजली में बदलने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो? तो जस्ट टेल मी, 12th वाले का आप लोग कौन सा राइट आंसर होने वाला है? देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों का फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रकाश की तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक दूसरा आप लोगों का प्रकाश जो है फोटोन कहते हैं, जो प्रकाश बंडली रूप में आप लोग गमन करता है ना। तो प्रकाश की द्वैती प्रकृति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, और इन छोटे छोटे बंडलों को आप लोग क्या बोलते हो? फोटोन बोलते हो। तो इसीलिए आप लोगों का फोटोवोल्टिक सेल इसको नाम दिया गया, जो कि सिलिकॉन नामक अर्धचालक के आप लोगों के बने होते हैं। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान, तो सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप लोग एक कण का द्रव्यमान कैसा रहता है? वेग में वृद्धि के साथ स्थिर रहता है, प्रक्षेप के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है, वेग में वृद्धि के साथ घटता है, या वेग में कमी के साथ घट जाता है। तो सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, आप लोगों को 13th वाले का आंसर देना है। वेरी गुड राज, आपने सही दिया है। चांदनी यू ऑल्सो गुड। सपना लिहारे, अच्छा 12th वाले का दिया है, 13th वाले का आंसर दो भाई। 13th वाले का इसमें क्या होता है, सापेक्षता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि संवेग में वृद्धि होती है या वेग में वृद्धि होती है, तो उसी के साथ प्रक्षेपक के जो है वेग में वृद्धि के साथ जो है इसमें आप लोगों की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी वाले के साथ जाना था, ऑप्शन बी वाले के साथ है ना। सभी लोग बह गए, गलत गलत, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार कण का द्रव्यमान उसमें वेग में वृद्धि के साथ आप लोगों का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक करंट वहन करने वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होता है? तो एक आप लोगों का एक फील्ड प्रोड्यूस्ड दिया गया है, एक कह सकते हैं करंट, मतलब एक तार आप लोगों का है, उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको आप लोग क्या कहते हो? विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख के बताना, करंट वहन करने वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र आप लोगों का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, जिसको आप लोग, वेरी गुड, कुछ लोग विद्युत चुंबकीय की ओर जा रहे हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों का तब उत्पन्न होता है जब आप लोगों का चुंबक के साथ क्षेत्र उत्पन्न किया जाता हो। चुंबक के अंदर आप लोगों की रॉडेड इस तरीके से लगी हुई हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो आप लोगों की एक तरीके से अलग होती है, चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों का अलग होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है। ए जो है आप लोगों का विद्युतीय क्षेत्र, इसको आप लोग कहते हो, किसी भी चालक तार के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने की कंडीशन में जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको आप लोग विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए वाला जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज योर गुड आंसर। ओके, अच्छा, इंद्रधनुष निर्माण का क्या कारण है? इंद्रधनुष जो आप लोगों का निर्माण होता है, प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं उसमें आप लोग की काम करती हैं? सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों के साइड में लाइक का बटन होगा, उसको दबा दो। पहली बार क्लास में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएगा। ओके, चलेगा। तो पर्टिकुलर आप लोगों से बोला गया है कि इंद्रधनुष निर्माण का कारण आप लोगों को बताना है। तो अपवर्तन, प्रतिबिंब और फैलाव, ये इंद्रधनुष के निर्माण में सहायता करते हैं। 15th वाले में आंसर देना। अपवर्तन और फैलाव, अपवर्तन और प्रकीर्णन, और विवर्तन और प्रतिबिंब। तो इंद्रधनुष के निर्माण में आप लोग बताएं किस 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 जो है आप लोगों की सहायता से इंद्रधनुष निर्मित होता है। तो यदि बात की जाए रेनबो फॉर्मेशन की, तो आप लोगों के लिए इसमें अपवर्तन, प्रतिबिंब और फैलाव, मीन्स आप लोगों का रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिप्रेशन,
सभी का इस्तेमाल आप लोगों का यहाँ पर किया जाता है, तब जा करके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष मूलतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड आप लोगों को कोर्स में पढ़ाया था और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी कंप्लीट कोर्स में लेकर के आने वाला हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस रखिएगा, बहुत ही जल्द सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक होने वाली है। ओके चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त की गई यूनिट कौन सी है, इकाई कौन सी है, गैलेक्टिक यूनिट, प्रकाश वर्ष या स्टेलर मील या कॉस्मिक किलोमीटर। तो तारों के बीच की दूरी, दो स्टार्स जो आप लोगों के दिए गए हैं इनके बीच की दूरी यदि आप लोगों को फाइंड करना है तो आप लोग उसके लिए डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या मतलब यूज करते हो। सीआईडी पांडे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पांडे जी। पर्टिकुलर यहां बताइए, तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए क्या यूज करते हो। तो तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए आप लोग लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे पवन जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन वी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के टॉपर हैं सपना लिहारे, राज एंड पवन। तो जो पहले आंसर देंगे वो टॉप थ्री क्वेश्चन के टॉपर रहेंगे, आई थिंक ये बेटर रहेगा। चलो टेस्ला जो आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसकी एक मानक इकाई है, टेस्ला वो कई बार पूछा गया है। तो चुंबकीय प्रवाह है, तो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षण। तो इसको आप लोग क्या कहना चाहोगे, 70th वाला जो आप लोगों का दिया गया है, टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक ये क्या दिया गया है, इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट। तो 9th नंबर, सॉरी ये 17th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी लोग चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, पवन बच्चक जी गलत हो सकता है, ठीक है। इसमें आप लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है राइट आंसर रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप लोगों का रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, टेस्ला जो आप लोगों की यूनिट है किसी मानक इकाई है, तो टेस्ला जो आप लोगों की है वो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। ऑप्शन ए जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज अ गुड आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्या बोलते हैं, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। साधारण दर्पण जिसको आप लोग प्लैनर बोलते हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या आप लोगों का परवलयिक दर्पण। तो साधारण जो वाहनों के हेडलाइट आप लोगों के होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है 18th वाले में, 18th वाले में पवन बजरंग जी ने पहला आंसर दिया है, मतलब पर्टिकुलर पवन बजरंग जी के द्वारा फर्स्ट आंसर दिया गया है। देन 18th वाले में आप लोगों का कौन सा होने वाला है, 18वें में आप लोगों का बी वाला, वेरी गुड, अवतल दर्पण में साइड वर्क के रूप में, ऑप्शन बी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ओके अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आप लोग बता दीजिए, हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज। तो परमाणु रिएक्टर में भारी जल किस रूप में उपयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में, मध्यस्थ के रूप में, ईंधन के रूप में या परमाणु स्मैशर के रूप में। तो भारी जल बता दीजिए, परमाणु में आप लोगों का किस रूप में आप लोगों का यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में या मॉडरेटर के रूप में, इससे आप लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो परमाणु रिएक्टर में जो भारी जल आप लोगों का होता है वो किस रूप में यूज किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में, है ना। 19th वाले में क्या, शीतलक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में। तो मैंने आप लोगों को बताया था भारी जल जो आप लोगों का होता है वो मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है भारी जल, जिसको आप लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हो, जिसका फॉर्मूला आप लोगों का D2O आप लोगों का होता है, ठीक है। मतलब ये आप लोगों के अभिक्रिया के दर को कम करने का काम करते हैं, शीतलक के रूप में कैडमियम बोरॉन की चरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अल्टरनेट आप लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, कभी कभार हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रखना है कि मध्यस्थ या मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर जो आप लोगों का होता है वो मॉडरेटर का कार्य करता है। अच्छा, फ्यूज तार में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, फ्यूज तार के निर्माण में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, विच मेटल्स आर यूज्ड इन फ्यूज वायर, टिन और तांबा, टिन और शीशा, टिन और एल्यूमिनियम, निकेल और क्रोमियम। तो फ्यूज तार में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, 20th वाले में आप लोगों को आंसर देना है। तो फ्यूज तार में पर्टिकुलर टिन और शीशा, शीशा और टिन, मतलब 20th वाले का आंसर देना था आप लोगों को, आई थिंक मैंने पहले दे दिया आप लोगों को, है ना। 20th वाले का आंसर दीजिए, क्या होगा, फ्यूज तार में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार में आप लोगों का टिन और शीशा, हाँ भाई टिन और शीशा, बिल्कुल वेल, काफी सेकंड वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, टीप के दे दिया, है ना। शाह मोहम्मद राज एंड थर्ड कौन आएगा भाई टॉप पर, इस क्वेश्चन के शाह मोहम्मद है, सेकंड राज है, थर्ड कौन आएगा,
भाई आंसर दोगे तब तो थर्ड आओगे, कंटिन्यू आप लोगों को आंसर देना है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता क्यों? तो बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर कोई भी पक्षी बैठा हुआ है वो मरता नहीं है, क्यों नहीं मरता है आप लोगों को ये बताना है, तो बता दीजिए भाई इसमें आप लोगों का क्यों नहीं मरता है। उसमें उच्च प्रतिरोध शीघ्र होता है, उसका शरीर भूमि के संपर्क कर जाता है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समर्थ पथ नहीं बनाता, उसके पैर विद्युत रोधी होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पक्षियों के पैर विद्युत रोधी होते हैं, क्या उनमें क्या प्लास्टिक के बने होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों के पक्षी जो आप लोगों के होते हैं ना उच्च वोल्टता के करंट पर भी इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए वो कंप्लीट आप लोगों का जो है पाथ का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन थ्री वाला जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, समृद्ध पथ का जो है निर्माण नहीं करते हैं, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन निम्नलिखित में से किसमें होता है भाई, परिकलन, व्यवसाय तथा संचार, व्यवसाय इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिकलन तथा संचार, डाटा बेस प्रबंध संचार तथा इंटरनेट। तो आप लोगों को बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो बता दीजिए भाई किसमें होता है। 22 वाले का आप लोगों का सूचना प्रौद्योगिकी, यू नो मीन्स आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप लोग कह सकते हो। 22 वाले में सभी लोग बेहोश, मतलब सबके सब घायल, कोई भी नहीं दे पा रहे, दिया राज ने दिया, वेरी गुड। इसमें जो आप लोगों का है सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक की परिकलन तथा संचार, मीन्स पर्टिकुलर आप लोगों का जो है सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, सूचना प्रौद्योगिकी में संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओके सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक की परिकलन तथा संचार ऑप्शन थ्री इज योर राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट वाला आप लोगों से क्या कहता है, किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है? तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके, कंप्यूटर वाले अब एक दो क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे ना। तो मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को आप लोग क्या कहते हो, संश्लेषक, स्कैनर, स्पीकर या सैंपलर? तो 23 वाले में आप लोग क्या कहना चाहोगे भाई, इसको मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करना, मतलब साउंड किससे उत्पन्न होगा भाई, स्पीकर से ही तो उत्पन्न होगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आप लोगों ने इसको अभी तक आंसर नहीं दिया, आंसर थोड़ा सा फास्ट दीजिए। इवन 23 वाले का आंसर जो है कौन सा है, ऑप्शन सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, स्पीकर। लेट हो रहे हो क्या, जल्दी जल्दी आंसर दो, राज 23 का सबसे पहले दिया, और भी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर देने का कष्ट करें, ठीक है, जितना जल्दी आप लोग आंसर दोगे उतना बेटर आप लोगों के लिए रहेगा, इवन मेरे लिए भी रहेगा, है ना, 23 वाले का, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों से क्या बोलता है, निम्नलिखित में से सजीवन, जिसको आप लोग एनिमेशन बोलते हो, सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो एक प्रतिबिंब जो है दूसरे में बदल जाता है, वो आप लोगों की टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरप्लेसमेंट, अंतःस्थापन, श्रृंखलनीकरण या आप लोगों का जो है आकृतिक निरूपण या स्कैनिंग? तो आप लोग क्या बोलते हो, मतलब कोई भी आप लोगों का चीज जो आप लोगों की है एक दूसरी जगह पर छप जाती है, एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी एडिटिंग होती है, तो इसको आप लोग आकृति निरूपण कहते हो। 24 वाले में भी आप लोगों का कौन सा वाला, 24 वाले में भी आप लोगों का सी वाला ही राइट आंसर होगा, आकृतिक निरूपण। आई थिंक ये आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, अब से आप लोगों के लिए बनने लगेंगे, ठीक है। किसी बांध की दीवार जो आप लोगों की होती है उसका बेस काफी ज्यादा वाइड बनाया जाता है, काफी ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि धारा रेखन आवश्यक होता है, वह गहराई बढ़ने के साथ दाब को सहन कर सके इसीलिए ऐसा बनाया जाता है, या क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके इसीलिए ऐसा बनाया जाता है, या वह वायुमंडलीय दाब के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है इसीलिए बनाया जाता है? तो बताइए पर्टिकुलर किस लिए बनाया जाता है, बांध की दीवार का नींव का आधार जो आप लोगों का है चौड़ी होती है, क्यों चौड़ी होती है आप लोगों को ये बताना है। सो इसमें क्या है कि
देखो गहराई बढ़ती जाती है तो प्रेशर आप लोगों का दाब जो है बढ़ता जाता है, तो क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके इसी के लिए बांध की दीवार का जो आधार होता है वो काफी ज्यादा मोटा बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ आप लोगों का उस पर दाब बढ़ता जाता है, इसी कारण से उसके नीचे की दीवार जो है ऊपर की अपेक्षाकृत मोटी बनाई जाती है। तो ऑप्शन 3 वाला जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अच्छा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वेरिलियम, सिलिकॉन, टेंटलम या अति शुद्ध कार्बन। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका इस्तेमाल करने वाले हो आप लोग? वेरिलियम का, सिलिकॉन का, टेंटलम का या अति शुद्ध कार्बन का? सौर ऊर्जा कन्वर्टेड इंटू विद्युत ऊर्जा, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हो? अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन की प्लेट्स का इस्तेमाल करते हो, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। 26 वाले का भी आंसर क्या होने वाला है? बी वाला ही आप लोगों का राइट आंसर होगा, ना कि बेरेलियम। पांडे जी आप गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, 26 वाले का आपने गलत दिया है, और सभी का सही दिया होगा है। हाँ भाई और सभी का सही दिया, शाह मोहम्मद आप भी गलत दे रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी हुई थी, आपको सीक्वेंस तभी लगा पाओगे जब आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा है ना। तो बताओ भाई कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान आपेक्षिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी जो आप लोगों का है, मैडम मेरी क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए सबसे पुरानी जो घटना, आप लोगों के लिए कौन सी है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इज टू मच ओल्ड, मीन्स कह सकते हैं सबसे पहली बार जो हुआ था इन सभी में जो काम, वो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये सबसे पुराना इसमें है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इज योर राइट आंसर। ओके अच्छा, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत आप लोगों के बताने हैं। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आयाम मॉडुलेट, आवृत्ति मॉडुलेट, अमॉडुलेट या वेग मॉडुलेट। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूल्ड आप लोगों के लिए जो है मॉड्यूलेट, जिसको आप लोगों को मॉड्यूलेटेड बोला गया है, एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड एंड आप लोगों का वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड। तो आप लोग बता दीजिए कि किस तरीके से जो ध्वनि तरंगें, मतलब टीवी दूरदर्शन की ध्वनि तरंगें होती हैं वो किस रूप में आप लोग के लिए आते हैं। तो आप लोग जानते हो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है, वेरी गुड, सभी लोगों का सही आंसर है इसमें। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी वाला जो है सभी का राइट आंसर होगा, आवृत्ति मॉड्यूलेट होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? कल ही पूछा था ये क्वेश्चन तो है ना। सिग्नल में लाल बत्ती का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है, इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता होती है, इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उच्च आवृत्ति होती है, इस कारण से इस्तेमाल किया जाता है। या माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो बता दीजिए भाई सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? 29th वाले का कौन सा वाला राइट आंसर होगा? देखो लाल बत्ती का जो आप लोगों का वेवलेंथ होता है वो सबसे खतरनाक, सबसे लंबा होता है, तो इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है, इसी कारण से लाल बत्ती का ही इस्तेमाल आप लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, सीआईडी पांडे। उच्च तीव्रता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इवन लाइट में तो तीव्रता का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ओके चलिए, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्यों? ऐसा क्या होता है ऊनी कपड़े के अंदर? वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊनी कपड़े के माध्यम से ऊष्मा किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो बता दीजिए पर्टिकुलर आप लोगों का क्या राइट आंसर होने वाला है? ऊनी कपड़े सर्दी से जो आप लोगों की है अंदर से रक्षा करते हैं, किस कारण से रक्षा करते हैं आप लोगों को ये बताना है। तो वे ऊष्मा के क्या होते हैं? वे आप लोगों के लिए वेट कंडक्टर होते हैं या गुड कंडक्टर होते हैं? तो यू नो वेल सर, क्वेश्चन थोड़ा जूम करें, क्वेश्चन को जूम करेंगे तो कल से मैं पीपीटी को सेट कर दूंगा पवन रजक जी, फिलहाल तो आपको इसी पीपीटी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसमें मैं कोई एडिटिंग अभी तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। चलिए तो कल से आप लोगों के लिए इसको जूम आउट, फुल जूम आउट करके लाना है, ठीक है। चलो, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ओवरऑल देखा जाए
तो ऊनी कपड़े ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई हीटर लगा होता है, नहीं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आपका शरीर के अंदर ही हीटर लगा हुआ है, आपके शरीर के अंदर से ऊष्मा निकलती है, उसको बाहर नहीं निकलने देते। इस कारण से आप लोग जो है शरीर सर्दी से रक्षा हो जाती है, ऊष्मा के वो कुचालक होते हैं। ओके, चलिए अगला आप लोगों से क्या बोलता है, स्पिन ड्रायर्स। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? तो आप लोगों ने स्पिन ड्रायर्स जानते होंगे, जिसके माध्यम से आप लोग कपड़ों को सुखा लेते हो। इवन आई थिंक वॉशिंग मशीन में लग के भी आने लगा आप, तो ना अविकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल या अकेंद्रीय बल। स्पिन ड्रायर्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण से जो है आप लोग के कपड़े सूख जाते हैं? 31 वाले का आंसर दीजिए, दैट इज टू मच इंपोर्टेंट फॉर यू, एंड ये आप लोगों का एक छदम बल होता है, अपकेंद्रीय बल। तो स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो ये जो आप लोग के लिए एक अपकेंद्रीय बल के द्वारा सुखाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मशीन को ऐसे ऐसे तेज तेज घुमाया जाता है, तो जो पानी जो रहता है ना वो बाहर की ओर निकल जाता है, कपड़ा अंदर की ओर, समझ रहे बात को, इस तरीके से ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट पवन रजक जी, मैंने आपकी बात को सुन लिया है, मैं अभी इसको जूम आउट नहीं कर सकता। दैट इज इट्स मे बी कि मुझे नहीं आता हूं, बट जूम आउट करने में मैंने अभी तो इसको मतलब देखा ही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। यहां पर तो मुझे कोई भी ऐसा शो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो बात को, यहां पर तो ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है मुझके। ठीक है, कल से इसका ध्यान रखा जाएगा। हाँ भाई, चलो, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन? तो भैया सामान्य रक्त दाब बता दीजिए, 82 वाले का। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, कितना मिलीमीटर पारा के अकॉर्डिंग आप लोगों का MMHg में आप लोगों को काउंटिंग फिगर दिया गया है। तो 80/120 जो आप लोगों का है, ऑप्शन ए एक डैश के रूप में आप लोगों का राइट आंसर होगा। सामान रक्तदाब यदि आप लोगों को ध्यान रखना है तो 32 वाले में आप लोगों को ए ऑप्शन ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, सीडी रोम डिस्क जो आप लोगों की होती है, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? लेजर किरणों की आवश्यकता होती है, चुंबकीय सुई की आवश्यकता होती है, कार्बन या ध्वनि कार्ड की आवश्यकता होती है, आलेख कार्ड जिसको आप लोग आर्टिकल कार्ड भी कहते हैं। तो पर्टिकुलर सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आप लोगों को जरूरत होती है? 33 वाले में आप लोग बताइए भी किसकी जरूरत होती है। तो सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए आप लोगों को लेजर बीम की आवश्यकता होती है, जिसको आप लोग लेजर किरण कहते हो। ऑप्शन ए वाला जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, लेजर बीम जिसको आप लोग कहते हो। ऑप्शन ए इज योर गुड आंसर। हाँ, उल्टा लिखा हुआ है वो 120/18 शान मोहम्मद। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, लेकिन आप लोग को एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रखना, अल्टरनेट जिस तरीके से आप लोगों का दिया गया हो मैनेज करके चलना है ना, आप लोगों को पॉइंट्स याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो आप लोग का दिया गया है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। तो पानी के अंदर दर्पण तो काम नहीं करने वाला, इवन मतलब जो हवा का बुलबुला है वो दर्पण की तरह तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें परावर्तक सतह तो होगी नहीं, तो लेंस की तरह काम करेगा। दर्पण वाले तो आंसर गए, अब आप लोगों का वो काम करता है अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस क्या करता है, वो फैलाने का काम करता है प्रकाश को, है ना। तो लाइका कॉनकेव लेंस ये आप लोगों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले तो आपको ऑप्शन इस तरीके से हटाना चाहिए था, जो मैंने बताया कि पानी के अंदर बुलबुला दर्पण की तरह काम तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस तो होगी ही नहीं, फिर कैसे काम करेगा। अच्छा, टैप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखना चाहिए? टैप रिकॉर्डर शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर। तो टैप रिकॉर्डर को बता दीजिए किसके पास में नहीं रखना चाहिए, घड़ी के पास में नहीं रखना चाहिए, चुम्बक के पास में नहीं रखना चाहिए, बिजली या स्विच बोर्ड के पास में नहीं रखना चाहिए, या रेडियो के पास में नहीं रखना चाहिए। तो टैप रिकॉर्डर तो आप लोग जानते होंगे, टैप रिकॉर्डर को आप लोग को बताना है किसके पास में नहीं रखना चाहिए। सो टैप रिकॉर्डर को आप लोग 34 नहीं 35 वाले का आंसर देना है। 35 वाले का आंसर दीजिए, क्या होगा, वॉच, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड एंड रेडियो।
तो सर इसको आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के पास में नहीं रखना चाहिए, विद्युत स्विच बोर्ड के पास में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन 3 वाला जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सीआईडी पांडे एंड राज एंड सहा मोहम्मद, ये कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो हैं, मुझे इस बात की खुशी है लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं, इस बात का मुझे कष्ट है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, चलो। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? झूले की दोलन जो आवृत्ति होती है ना, जिस तरीके से ये दोलन करता है, तो झूले पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति यदि खड़ा हो जाता है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी दोलन आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो कम हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो अनंत हो जाती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो पर्टिकुलर जो आप लोगों की दोलन आवृत्ति होती है वो आप लोगों की क्या होती है, बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे सकते हो चाहें तो बिल्कुल चाहने वाले हो आप लोग। ये झूले की दोलन आवृत्ति जो आप लोग की है वो बढ़ जाती है ना। ऑप्शन सेकंड वाला जो इसमें आप लोग का है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके संभव है? तो रात में कोहरे और कुहासे में फोटोग्राफी करना आप लोग किसका प्रयोग करते हो फिर आप लोग संभव हो पाता है, मतलब परावैगनी किरणों का, अवरक्त किरणों का, सूक्ष्म विकिरण का या गामा किरणों का। तो रात्रि के समय आप लोगों ने देखा हो, और ये सेल्फी लेते हो आप लोग तो फ्लैश लाइट जला करके लेते हो, और फ्लैश लाइट में से कौन सी किरणें निकलती हैं आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इसमें से आप लोगों की परावैगनी किरण है ना बाबा ना, कैंसर हो जाएगा, है ना। तो अवरक्त किरण इट्स मे बी, सूक्ष्म तरंग इट्स मे बी, गामा किरण नॉट मे बी, क्योंकि इनकी भी काफी विघटन क्षमता होती है, ये भी काट फाड़ के आगे निकल जाएंगी। तो ओवरऑल आप लोगों का जो है अवरक्त किरण जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड 37 वाले में वी जो आप लोगों के लिए है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन वी इज योर गुड आंसर। ओके, अच्छा। निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदे को खरीदा करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ाने पर निकट भविष्य में बेच सके, मतलब कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच सके। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सोना खरीद लेते हो, आने वाले टाइम में वो महंगा हो जाएगा, आप लोग उसको बेच दोगे, तो इस सटोरियो को आप लोग क्या कहते हो? वियर कहते हो, वुल कहते हो, बाइशन कहते हो, बोर कहते हो, क्या कहते हो आप लोग इसको, है ना। तो 38 वाले में आप लोग क्या कहोगे इसको? बुल। 38 वाले में इसको बुल कहोगे ना, बुल। ऐसा सटोरिया टाइप से जो कि चीजों को अभी खरीद लेता है, बाद में दाम बढ़ने पर आप लोगों का जो है बेच देता है, तो उसको आप लोग बुल कहते हो इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द सरफेस टेंशन टू? ग्रेविटी, विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन या रेडिएशन, मीन्स आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण, श्यानता, केशिका क्रिया या विकिरण। तो निम्नलिखित में से कौन से जो कारण आप लोगों का है जिसके कारण जो पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? तो पृष्ठीय तनाव का सरफेस टेंशन का रिजल्ट कौन सा है? देख लीजिए भाई, पृष्ठ तनाव के कारण ही आप लोगों का जो होता है वो कैपिलरी एक्शन, जिसको आप लोग केस का क्रिया कहते हो, केस की ये नियम आप लोगों ने देखा होगा, जो पतली सी नलका में आप लोगों का ऊपर की ओर पानी चढ़ जाता है, कांच की हो इवन उसकी जो आप लोगों की केस का नली, अलग अलग प्रक्रिया से आप लोगों की बनाई जाती है ना। तो पर्टिकुलर 39 वाले में भी आप लोगों का सी वाला ही राइट आंसर होगा, सी इज योर गुड आंसर। 39 में आप लोगों का सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, ना कि ए। राज ए दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं भाई, जो पृष्ठ तनाव की क्रिया का उदाहरण यहाँ पर कैपिलरी रिएक्शन ही है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अच्छा, वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखाया करता है। आप लोगों ने देखा होगा वायुयान जो आप लोग के होते हैं वो खड़े रूप में हवाई करतब दिखाने काम करते हैं, तो ओवरऑल गुरुत्वाकर्षण के कारण दिखा पाते हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण, भार के कारण या अपकेंद्रीय बल के कारण। तो वायुयान जो हवा में कर पाते हैं अपने कर्तव्य, किसके कारण कर पाते हैं? ड्यू टू अभिकेंद्रीय बल, ग्रेविटी, या आप लोगों का भार मीन्स वेट के कारण, या आप लोगों का अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ओवरऑल 40 वाले में देखा जाए तो वायुयान या हवा में जो भी कर्तव्य आप लोग दिखा पाते हो, या सड़क पर आप लोग अचानक से मोड़ देते समय अभिकेंद्रीय बल की जो आपको आवश्यकता होती है उसी के कारण थोड़ा बहस हुआ था। हाँ, इस पर थोड़ा बहस हुआ था, अभिकेंद्रीय बल के कारण इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन वी वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर। वेरी गुड, आप लोग भूलते नहीं हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? आप लोगों ने देखा होगा काफी स्पीड में कार आ रही हो, पुलिस अधिकारी एक टॉर्च से आप लोगों का जला देता है, और उसको आप लोग क्या, उसमें से क्या निकलता है? सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं,
प्रकाश तरंगें निकलती हैं, रेडियो तरंगें निकलती हैं, परा उच्च आवृत्ति मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स निकलती हैं। तो उसके अंदर से बता दीजिए भाई क्या निकलता है। एक आद्युतकार की गति को मापने के लिए आप लोग जो है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें या प्रकाश तरंगें या रेडियो तरंगें, लाइट वेव, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स एंड आप लोग का हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, तो आप लोग बता दीजिए क्या निकाला जाता है। तो भाई आप लोगों के लिए माइक्रोवेव्स, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। सूक्ष्म तरंगें ही आप लोग का राइट आंसर, होशियार होते जा रहे हो धीरे धीरे, है ना। अभी ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग क्या है कि आंसर सुनने के बाद आंसर देते हो, है ना, कुछ लोग आंसर सुनने के बाद आंसर देते हो, है ना, तो ये गलत बात है। वैसे कुछ लोग बैठे हुए आंसर ही नहीं दे रहे हैं, सुनेंगे बस रामायण सी, है ना। मौका तो दिया जा रहा है गलती करने का, गलती तो करो, गलती ही नहीं करोगे सीखोगे कैसे भाई, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सेकंड में आप लोग तो सीख जाओ, उतना ही काफी है। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, गर्मी के दौरान ऐसा क्या है कि पंखे से आप लोगों को सुख मिलता है। तो पंखा ठंडी हवा देता है इसीलिए आप लोग का गर्मी के दौरान जो है आप लोगों को सुख मिलता है। तो पंखा ठंडी हवा देता है क्या? नहीं भाई, तेज गर्मी पड़ने तो पंखा कोई ठंडी हवा नहीं देता, पंखा हवा को ठंडी हवा में बदल देता है, ऐसा भी नहीं है। हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है या हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो 42 वाले में जो आप लोगों का है, हमारा पसीना जो है पंखे की उपस्थिति में जल्दी सूख जाता है और कुछ भी कारण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 3 वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। बस ट्राई, वेरी शून, वेरी शून मीन्स ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। अगला आपसे क्या कहता है, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सीआईडी पांडे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे हो सकता है? स्लाइड में पीपीटी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ज्यादा छोटे हो गए, कल से इसको मैं एडिट करके लाऊंगा और काफी बड़े लेकर के आऊंगा, ठीक है, कंप्लीट उस पर लेकर के आऊंगा। चलो इसका आंसर दीजिए, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों क्यों दिखाई देता है? लेंसों का काम, ये जो है छोटी छोटी बूंदें जो रहती हैं, लेंस का काम करते हैं, दर्पण का काम करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं, स्लैबों का काम करते हैं। तो पर्टिकुलर ये देखा जाए आप लोगों का, तो ये छोटी छोटी बूंदें जो आप लोगों की रहती हैं वो किसका काम करती हैं? प्रिज्म का काम करती हैं, दे वर्क एज अ प्रिज्म। तो आप लोगों का ऑप्शन 3 जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन 3 इज योर गुड आंसर, ओके। अच्छा अगला वाला, हीरे की चमक का क्या कारण है? द साइन ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, किस कारण से हीरा आप लोगों का चमकता है? प्रकाश की पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो देख लीजिए भाई आप लोगों का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हीरे की चमक, हीरे में एक बार लाइट डाल दी जाए तो पूरा का पूरा हीरा जगमगा जाता है, मतलब उसके अंदर लाइट जाएगी वही इंटर रिफ्लेक्टेड आप लोगों की होती रहेगी ना। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स आप लोगों का ए वाला राइट आंसर रहेगा, जिसको आप लोग कहते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो ऑप्शन ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज योर गुड आंसर। अच्छा आज का 45 नंबर का क्वेश्चन, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो तांबे के तार को यदि दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध जो आप लोगों का है तो कैसा होगा भाई? प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाएगा 45 वाले में, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। वेरी गुड, आप लोग भी सही दे रहे हो, रेखा चौहान, राज चौहान एंड राज, सीआईडी पांडे, कुछ कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवरऑल आप लोगों के लिए जो है 4 गुना हो जाएगा तांबे के तार को यदि 2 गुना बढ़ाया जाएगा, तो डबल रिफ्लेक्टेड इसमें आप लोगों का होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपाती, ये अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा लंबाई तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जा रहा है तो लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, तो आई थिंक आप लोग क्या होना चाहिए, आर समानुपाती एल होता है, मतलब ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होना चाहिए, 4 गुना नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आर समानुपाती एल होता है कि नहीं होता है, आर समानुपाती एल होता है, मैंने भी पढ़ाया था लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, ये आप लोगों का ए लिखा हुआ है तो इसी को लिख लो 1/a², ये मैं लिखे देता हूँ 1/a², ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी तांबे के तार को 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो उसके प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो आई थिंक सी वाला इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, है ना, 45 वाले में 4 गुना और 3 गुना ना, सर आधा बताया था, आधा बताया था, बट पर्टिकुलर आपको यदि कंसेप्ट ध्यान आए तो फिर एक बार और आप लोग इसको देख लेना,
मेरे अकॉर्डिंग कंसेप्ट में लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप लोगों ने कंसेप्ट देखा हो तो। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसमें आप लोगों का दोगुना ध्यान रखना एक बार, ओके, कंसेप्ट एक बार और ट्राई मारना। आप लोगों को यदि कोई कंफ्यूज हो, इवन मुझे होगा, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ओके। अच्छा, लंबी दूरी के बेतार संचरण के लिए तरंगें जो आप लोग की हैं वो कौन सी प्रयोग की जाती हैं? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रेज जो यूज की जाती हैं, या परावैगनी तरंगें, या आप लोगों का रेडियोधर्मी तरंगें, सॉरी रेडियो वेव्स, ओनली रेडियो वेव्स, एंड आप लोगों का माइक्रोवेव जिसको आप लोग सूक्ष्म तरंगें कहते हो। तो पर्टिकुलर बता दीजिए, लंबी दूरी के बेतार संचरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 47 वाले में क्या आंसर होगा? लंबी दूरी के बेतार तरंगों के संचरण के लिए आप लोग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन सी इसमें आप लोग का राइट आंसर है। वेरी गुड रेखा जी, आपने सही आंसर दिया है। ओके, चलो अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोलता है, 47 हो गया, 48 वाला आप लोगों से क्या बोलता है? किसी बत्ती में तेल चढ़ने बढ़ने का कारण बताना है आप लोगों को। कोई भी बत्ती जो आप लोग दी गई है उसमें तेल चढ़ने का रीजन क्या होगा? तेल का घनत्व, उस कारण से आप लोग का तेल चढ़ेगा, तेल की श्यानता, तेल का पृष्ठ तनाव, या तेल का दाब? तो 48 वाले का सभी लोग आंसर दीजिए। आप लोग लेट लतीफ आंसर दे रहे हो, इवन आप लोग चाहें तो हल्की हल भी दे सकते हो, है ना। तो भाई तेल चढ़ने या बढ़ने का मेन रीजन जो आप लोग का होगा तेल का पृष्ठ तनाव। तो 48 वाले में आप लोग क्या होगा, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज योर राइट आंसर। 48 वाले में आप लोगों का 3 या सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, तेल का पृष्ठ तनाव। प्रतिदीप्त प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण कौन सा होता है? अवरक्त विकिरण, परावैगनी विकिरण, सूक्ष्म तरंगें, या एक्स किरण? तो प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण कौन सा होता है? तो बता दीजिए भाई, प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण आप लोगों को कौन सा होता है? 49 वाले में आप लोगों को बताना है। तो 49 वाले में जो आप लोगों के लिए होगा, तो पर्टिकुलर आप लोगों का कौन सा होगा इसमें आप लोगों के लिए? परावैगनी आप लोगों का राइट आंसर होगा। प्रतिदीप्त नलिका में आरंभ में उत्पन्न किरण जो आप लोगों की होती है अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ऑप्शन सेकेंड वाला जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड इज योर राइट आंसर। ओके, आज का अंतिम क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी इसका आंसर दें। 49 वाले में निशा मालवीय पूरी क्लास निकलने के बाद आप आई हो, है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। आज का अंतिम क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग में लिया जाता है क्यों? ये प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, ये इनकी वर्धन क्षमता की आवश्यकता नहीं होती, ये अधिक सस्ते होते हैं। तो केवल जो आप लोगों की होती हैं वो क्यों यूज की जाती हैं? इनकी दे डोंट नीड स्ट्रेंथ, 40 नहीं 50 वाले का आंसर, तो सभी से आंसर चाहिए मुझे, मैं अपनी ओर से आंसर देता हूं, फिर भी सभी लोग आंसर देना। इन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, तो तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन्हें वर्धन की आवश्यकता जो है नहीं होती है। तो 15th वाले का आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। इसका आंसर सीट सहित आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा हाल ही हाल, साथ ही साथ आज का सेशन जो है आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। इवन कल से कोशिश की जाएगी आप लोगों के लिए कुछ और नया करने की जितना भी हो सकता है, एंड रेगुलर आप लोगों को टाइम टू टाइम आना है। दोपहर में मैंने बताया था आप लोगों की 2 बजे की क्लास जो है आप लोगों की बंद कर दी गई है, तो कल आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों की कल जो है हिंदी वाली क्लास जो है नहीं होगी, आप लोगों को कल शाम को इसी टाइम मिलेंगे, है ना, और उसके स्थान पर कुछ ना कुछ जो रिलीज किया जाएगा वो मैं आपको बहुत ही जल्द आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। आप कहोगे सर डे तो बचा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बचा है, आप लोगों का गुड नाइट हो गया है, सो गुड नाइट टू ऑल। ओके, चलिएगा। थैंक यू राज।